खरगोन में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने हुंकार भरी है। जिले के भगवानपुरा विधानसभा के सेगांव ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत उपरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। देखें खबर। आम आदमी पार्टी की सभा में उपस्थित पूर्व प्रदेश प्रवक्ता और वर्तमान लोकसभा प्रभारी शैली राणावत ने हमारे संवाददाता से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि देश में आम आदमी पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले विधानसभा 2023 के चुनाव में हमारे द्वारा मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जो नेता साइकिल पर चलते थे वह आज चार पहिया वाहन पर चल रहे हैं। वहीं भाजपा में अपने आप को पाक साफ और गंगा की तरह धुली हुई पार्टी मान रही है, जबकि भ्रष्टाचार में सर से पांव तक डूबी हुई है। जबकि अच्छा कार्य करने वाली आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और दिल्ली की सरकार को दबाने और कुचलने की कोशिश एक तानाशाह सरकार कर रही है, परंतु जब हिटलर की तानाशाही नहीं चली तो हम इंसान हैं, वक्त आने पर सब ठीक होगा। इस अवसर पर पूर्व क्षेत्रीय सचिव राजकुमार दुबे, खरगोन जिला अध्यक्ष जयंत गुप्ता, जिला सचिव सुरेश माहिले, सरपंच सुनील मोरे, बलिराम जसौदिया, शुभाराम डावर, सुनील मुजालदे, प्रकाश चौहान और बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष उपस्थित थे। हम मध्य प्रदेश में 230 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज ये से गांव के पास में गांव है उसमें ये मीटिंग रखी गई है और यहां पर आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है। ये आदिवासी बेल्ट है जहां से बहुत ज्यादा संख्या में लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और हम यहाँ पर बहुत अच्छा कर पाएंगे। एक विधायक निकालने की बहुत कोशिश है कि यहाँ पे निकल जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ मीटिंग रखी है संगठन को मजबूत करने के लिए और आगामी चुनावों को देखते हुए ये मीटिंग है और हम गांव-गांव में अब आम आदमी पार्टी का परचम फहराएंगे। सैगांव से जय गुप्ता की रिपोर्ट।